हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल सीए जितेंद्र चौहान में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी एमपीपीएससी इनकम टैक्स असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसके हम यूनिट वन का अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल और उसके कन्वेंशन के बारे में डिटेल में बताया है। तो हमने एक चार्ट के माध्यम से समझा था कि कितने हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उसमें से हम पहला कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत समझना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे, आप अकाउंटिंग और खुद में डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि अकाउंटिंग और हम में क्या डिफरेंस है, हम हमारी एंटिटी, हमारे बिजनेस में और हम में क्या डिफरेंस है। ये हम जब भी समझ पाएंगे जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया और शानदार वीडियो लाया हूँ और मैं आपको पूरा कोर्स डिटेल में करवाने वाला हूँ विथ एमसीक्यू। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जो हमारा बोल रहा है एंटिटी का कॉन्सेप्ट। एंटिटी मतलब क्या? एंटिटी मतलब होता है हमारी जो बिजनेस, जो हमारी कंपनी, जो हमारी फर्म, जो हमारी प्रोपराइटर है, वो क्या होती है? वो हमारी एंटिटी होती है। तो देखिए, हम और मेरे दोस्तों, हिंदी मीडियम वाले दोस्त भी बिल्कुल ना घबराएं। मैं एक-एक शब्द का आपको हिंदी में अनुवाद करके समझाने वाला हूं। तो ये मत समझा कि यार ये सर तो इंग्लिश से पढ़ा रहे हैं, मैं आपको हिंदी में आपके साथ पूरी तैयारी करवा दूंगा। एमसीक्यू हम दोनों लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में समझना बहुत आसान होगा। मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन डिटेल में करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, पहली चीज जो हमारी है, बोल रही है एंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है। एंटिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि जो बिजनेस इंटरप्राइजेस होती है, क्या होती है बिजनेस इंटरप्राइजेस, मतलब हमें प्रोपराइटर मान लो, फर्म मान लो, कंपनी मान लो, इट इज सेपरेट आइडेंटिटी। क्या होता है? उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है। जो हमारी कंपनी होती है ना, या हमारी फर्म होती है, जो हमारी प्रोपराइटर फर्म होती है, ये क्या है? इसकी एक अलग पहचान है। क्या है? सेपरेट मतलब अलग पहचान। क्या है? अलग पहचान। आइडेंटिटी मतलब पहचान, सेपरेट मतलब अलग, अलग पहचान, अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर। किससे? ओनर मतलब मालिक। मतलब जैसे कि मान लो एक प्रोपराइटर फर्म खोली और उसका मालिक कौन है? उसका मालिक मान लो राम है। तो राम क्या हुआ? राम क्या हुआ? राम हुआ ओनर। तो ये ओनर जो है, ओनर और जो ये कंपनी है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है, एक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मालिक ओनर है तो ये कंपनी भी ओनर है, तो ओनर की, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी पहचान है, वो क्या है? अलग है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई रिलायंस कंपनी है और अंबानी, तो रिलायंस कंपनी की अलग पहचान है और अंबानी की अलग पहचान है। फिर उसके बाद जो अकाउंटेड, अकाउंटेड जो होता है शुड बी ट्रीड, क्या करता है? ट्रीड बिजनेस एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। तो क्या बोलता है कि जो अकाउंटेड होता है, जो हमारा अकाउंटेड होता है, वो क्या करता है? जो बिजनेस होता है, जो बिजनेस होता है और जो उसका ओनर होता है, उसको क्या करता है? बिल्कुल डिस्टिंक्ट मानता है, मतलब अलग मानता है। क्या मानता है? अलग मानता है। समझ रहे हो आप? तो इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो बिजनेस, जो कंपनी है, वो दोनों अलग है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस बुक्स, जो बिजनेस बुक्स मतलब कंपनी की बुक्स में ऑफ अकाउंट, एंड ओनर ट्रांजेक्शन इन हिज पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको किस में रिकॉर्ड किया जाता है? उसको बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब किस में किया जाता है? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। और जो ओनर के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो मालिक जो ट्रांजेक्शन जो खर्चे करता है, वो किस बुक में किए जाते हैं? उसकी पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके एंट्री की जाती है, रिकॉर्ड किया जाता है। द प्रेस्टिज ऑफ डिस्टिंग्विश अफेयर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम पर्सनल अफेयर ऑफ द ओनर ओरिजिनेट ओनली इन द अर्ली डे डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो दिस कॉन्सेप्ट हेल्प करता है कीपिंग द बिजनेस अफेयर फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ द बेस्ट पर्सनल अफेयर। तो जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है? हमारी मदद करता है। कैसे? कि जो बिजनेस है, बिजनेस जो अफेयर, बिजनेस के जो मामले हैं, वो फ्री हैं किसके? इन्फ्लुएंस, मतलब उसके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कौन? पर्सनल अफेयर है, जो उसके मालिक के जो पर्सनल अफेयर है, जो पर्सनल खर्चे हैं, वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन, बिजनेस के मामले को क्या क्या नहीं कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, है ना। तो दिस बेसिक कॉन्सेप्ट इज अप्लाई टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है ना, ये ऑल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जैसे कि सोल प्रोपराइटर में भी अप्लाई होता है, पार्टनरशिप फर्म में भी अप्लाई होता है, और कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब कंपनी
कंपनी में भी अप्लाई होता है। तो दिस कॉन्सेप्ट, देखो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सभी में अप्लाई होता है। दूसरा चीज हमें याद रखना है कि ओनर और जो कंपनी है वो दोनों क्या है, अलग है। अब देखो इसके नीचे हम जा रहे हैं, हम इसको विद एग्जाम्पल भी समझेंगे। अगर मेरे दोस्तों किसी को अगर आपको समझ में ना आया हो तो हम इसको विद एग्जाम्पल भी समझाने वाला हूँ। देखो एंटिटी का कॉन्सेप्ट मीन्स होता है कि जो एंटरप्राइजेस इज लाइबल टू ओनर ऑफ द कैपिटल। जो एंटरप्राइज होती है, जो बिजनेस होती है, वो क्या होती है, लाइबल होती है किसकी, ओनर फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जो ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है, मेड बाय द ओनर। तो दिस ओनर इन्वेस्टेड इन कैपिटल विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्क कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको, हम रिस्क कैपिटल बोलते हैं। जो ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, हम इसको रिस्क कैपिटल ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें उसका जोखिम है। ही इज क्लेम ऑन प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस। और क्या कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है किसके, एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट में। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज अपोर्शन टू द ओनर एंड इज इमीडिएटली पेबल बिकम ए करेंट लाइबिलिटी इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी। अब मैं तुमको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, जो मेरे दोस्तों को अगर थ्योरी समझ में ना आई हो, वैसे तो मैंने डिटेल में समझाया है, अब इस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है कि जो मिस्टर एक्स है वो क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। इन्वेस्ट कितने कर रहे रुपए से, 7 लाख रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल ले रहे हैं किसको, बिजनेस को। एंड विच ही परचेज द मशीनरी फॉर 5 लाख रुपए। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने परचेज करी मशीनरी कितने लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। और मेंटेन द बैलेंस इन हैंड, और बाकी बैलेंस क्या, हैंड मेंटेन कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द विल बी फॉलो। देखो हमने कैपिटल कितने की है हमारी, कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी 7 लाख रुपए की, उसमें से हमने मशीनरी परचेज करी कितने लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की। और केस कितना बचा, जब 7 में से हमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो मशीनरी परचेज करने के लिए तो हमारे पास केस कितना बचा, 2 लाख रुपए। अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है, एंटिटी का कॉन्सेप्ट, उसको कैसे समझते हैं। अब दिस मीन्स द एंटरप्राइजेस अबे, मतलब क्या है, उधार लिए उसने किससे, मिस्टर एक्स से, कितने लाख रुपए, 7 लाख रुपए। इंटरप्राइजेस ने 7 लाख रुपए मिस्टर एक्स से उधार लिए हैं। नाउ यदि मिस्टर एक्स स्पेंड करता है ₹5,000 टू मीट हिज फैमिली एक्सपेंसेस, और फिर मिस्टर एक्स ने क्या करे, ₹5,000 उसकी कंपनी से, उसकी इंटरप्राइजेस से उसने खर्च कर दिए। किसके लिए करे खर्च, बिजनेस के लिए नहीं करे उसने, बल्कि उसने पर्सनल एक्सपेंसेस उसकी फैमिली से परिवार के लिए खर्च कर दिए फ्रॉम द बिजनेस फंड। किसमें से, बिजनेस फंड में से। तो देन इट शुड नॉट बी टेकन द बिजनेस एक्सपेंसेस। तो हम इसे क्या मानेंगे, हम इसे बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, क्योंकि जो ये खर्च करे हैं ₹5,000, ये उसने अपने पर्सनल खर्च पर खर्च करे हैं, ना कि बिजनेस के लिए। एंड वुड बी चार्ज टू द कैपिटल अकाउंट। तो हम इसे किसमें चार्ज करेंगे, हम इसे कैपिटल अकाउंट में चार्ज करेंगे। तो हिज इन्वेस्टमेंट वुड बी रिड्यूस। जो उसने इन्वेस्टमेंट कराया 7 लाख रुपए का, उसमें से हम क्या कर देंगे, ₹5,000 को कम कर देंगे। तो हमारी फॉलोइंग एंटिटी कॉन्सेप्ट रिवाइज द फाइनेंशियल पोजिशन। अब देखो इसमें क्या होगा, जो जो मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन उसने क्या करा, ड्रॉइंग मतलब ₹5,000 बिजनेस फंड से निकाल लिए हैं। कितने, ₹5,000 किसके लिए निकाले, बिजनेस के लिए नहीं निकाले बल्कि पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए निकाले हैं। तो इसकी एंट्री क्या है, उसके कैपिटल अकाउंट में होगी। तो ₹5,000 उसके 7 लाख रुपए से कम हो जाएंगे। तो उसका इन्वेस्ट कितना बचा, 6,95,000 का, 6,95,000 रुपए का उसका इन्वेस्टमेंट बचा। मशीनरी कितना है उसका, 5 लाख रुपए, केस 2 लाख रुपए। तो ये हमें कॉन्सेप्ट बताता है कि जो ओनर होता है और जो बिजनेस एंटिटी होती है वो क्या होती है, सेपरेट होती है, सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है क्योंकि ओनर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो इन्वेस्ट करने से उसका प्रॉफिट का प्रोपोर्शन भी बनता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे, जो मैंने आपको पूरे चार्ट बताए, मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाऊंगा। और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कॉन्सेप्ट के आप अकाउंटिंग में महारत हासिल नहीं कर सकते। तो थैंक यू वेरी मच।